दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंडियन समर। इस पोयम को लिखा है एक कैनेडियन फेमिनिस्ट ऑथर सुसन्ना मूडी ने। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस पोयम के इंट्रोडक्शन और समरी को डिस्कस करेंगे, बाद में मैं इसे लाइन बाय लाइन डिस्कस भी करूंगा एक सेपरेट वीडियो में। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को जानते हैं। इस पोयम को लाइफ इन द क्लियरिंग से लिया गया है और इसमें पोइटेस शरद काल यानी विंटर सीजन में होने वाले चेंजेस के बारे में बताती हैं। हमारी पोइटेस भारतीय शरद ऋतु को ऑब्जर्व करती हैं जो अक्टूबर या नवंबर महीने में आती है। इस मौसम को गर्म शांत धुंध से भरे हुए चक्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि ये मौसम बाकी मौसम की तुलना में हमें एक शांत वातावरण देती है। पोइटेस कहती हैं कि शरद ऋतु के दिनों में भारतीय लोग अपना सर्दियों का भंडार इकट्ठा करते हैं और यही वो ऋतु है जिसके साथ उत्सव का माहौल भी आता है, क्योंकि इस ऋतु में तापमान काफी आरामदायक और सुहावना होता है और प्रकृति भी काफी सजी धजी और सुंदर दिखाई पड़ती है। लेकिन ये ऋतु कुछ निराशाजनक भावनाएं भी उत्पन्न करती है। भले ही लोगों को इस सुहावने मौसम के प्रति काफी लगाव है, लेकिन वे इसका आनंद नहीं ले सकते, क्योंकि सर्दियों के प्रारंभ की घोषणा उनको दुखी करती है। तो दोस्तों ये था इस पोयम का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब आइए हम इसकी समरी को देखते हैं। पोइटिस का कहना है कि भारतीय शरद ऋतु अक्टूबर या नवंबर माह में आती है। इस ऋतु में सुबह और शाम का मौसम काफी धुंध भरा दिखाई पड़ता है। इस समय प्रकृति भी काफी सुस्त रहती है। ऐसा लगता है मानो वो गहरी निद्रा में सो रही हो और सपने देख रही हो। ये हमें स्पष्ट रूप से संकेत करता है कि बर्फीली सर्दी जल्दी ही शुरू होने वाली है। इस ऋतु में हर जगह पर शांति छाई रहती है और नदियों का पानी भी बिना किसी उथल पुथल के लगातार बहता रहता है, और इस ऋतु में हमें प्रकृति का एक नया ही रूप देखने को मिलता है। इस ऋतु में हमें कई आकर्षक रंग दिखाई पड़ते हैं और ये ऋतु शिकारियों के लिए शिकार करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है, चाहे वो मनुष्य शिकारी हो या जानवर शिकारी। लेकिन ये ऋतु हमें इमोशनल भी करती है और हमारे अंदर दुख का एहसास कराती है, और ये दुख हमारे मन में हमेशा बना रहता है। इस ऋतु में सूर्यास्त का समय काफी खुशगवार होता है, क्योंकि जब ये अपने क्षितिज में जाता है तो संतरे की भांति पीला दिखाई पड़ता है और इसका मध्यम प्रकाश हर एक चीज को प्रकाशित करता है। इस प्रकाश में समुद्र की लहरें भी अपना रंग बदलती दिखाई पड़ती हैं, पानी भी हीरे की तरह चमकता है, और जब ये सूरज छिप जाता है तो प्रकृति की तमाम चीजें शांति में डूब जाती हैं और ये अनोखा सौंदर्य धीरे धीरे छिप जाता है।